वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 20 ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य जानोगे जो शायद ही आपको पता हो। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 20, 1 जुलाई 1874 को अमेरिका के एक 4 साल के लड़के चार्ल्स रोज को किडनैप कर लिया जाता है। इस बच्चे को कभी ढूंढा नहीं जा सका। इस केस को अमेरिका की हिस्ट्री की मोस्ट फेमस डिसअपीयरेंस माना जाता है। ये अमेरिका के इतिहास की पहली ऐसी किडनैपिंग थी जिसे मीडिया में वाइडली रिपोर्ट किया गया था। इस बच्चे को 2 व्यक्तियों ने कैंडी और पटाखे दिखाकर बहलाया फुसलाया था। क्योंकि उस दौरान दुनिया भर के लोगों ने इस केस में इंटरेस्ट लिया था, इसीलिए आज भी दुनिया भर में बच्चों को ये सलाह दी जाती है कि वो किसी भी अजनबी से मिठाई ना लें। नंबर 19, मैरी एन फ्रेंको, जो कि फ्लोरिडा की एक औरत थी। 1993 में एक कार एक्सीडेंट में उसकी स्पाइन पर चोट आती है और वो ग्रेजुअली ब्लाइंड हो जाती है। सन 2015 में मैरी अपने घर में ही गिर जाती है और फिर से उसकी स्पाइन पे चोट आती है। इसके बाद उसका एक ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद 20 साल की ब्लाइंडनेस के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। नंबर 18, बलि देने की प्रथा दुनिया की बहुत सी सभ्यताओं में रही है। जो माया सभ्यता के लोग थे वे देवताओं को खून अर्पित किया करते थे। माया सभ्यता के लोगों का ये मानना था कि एक इंसान की जिंदगी को सैक्रिफाइस करना देवताओं के लिए सबसे बेहतर ऑफरिंग होगी। इसके लिए माया सभ्यता के लोग ऐसा करते थे कि वे एक जिंदा इंसान का धड़कता हुआ दिल उसके सीने से निकाल लेते थे। बलि की रस्म के दौरान प्रिजनर्स में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था। नंबर 17, सैकड़ों साल पहले मैक्सिको की एस्टेक सिविलाइजेशन के लोगों का ये मानना था कि जो गॉड्स होते हैं वो वोल्केनोज में रहते हैं। इसीलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एस्टेक सिविलाइजेशन के लोग जिंदा इंसानों को ज्वालामुखी में फेंक देते थे। नंबर 16, सन 1676 में पहली बार डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया गया था, लेकिन उस वक्त उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सका। उस वक्त ये अनुमान लगाया गया था कि ये किसी विशाल मनुष्य की बोन्स हो सकती हैं। 1824 में ऐसा पहली बार हुआ कि डायनासोर की बोन्स को डिस्कवर किया गया और उसे साइंटिफिकली डिस्क्राइब भी किया गया। नंबर 15, सोवियत सोल्जर्स पहले सैनिक थे जिन्होंने नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को लिबरेट कराया था। 23 जुलाई 1944 को उन्होंने सबसे पहले मैजडनेक कॉन्सेंट्रेशन कैंप को लिबरेट कराया था। वहां सोवियत सोल्जर्स ने दहशत की जो तस्वीर देखी उसे देखकर उनके होश उड़ गए। हैवानियत की जो तस्वीर सोवियत सोल्जर्स ने वहां देखी थी, जब उन्होंने उसके बारे में दुनिया को बताया तो संसार के ज्यादातर लोगों ने उस पर विश्वास करने से ही इनकार कर दिया। मतलब दुनिया को इस बात की खबर ही नहीं थी कि जर्मनी और जर्मन ऑक्यूपाइड कंट्रीज में यहूदियों के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। नंबर 14, ओस्कर शिंडलर, जो कि जर्मन नाजी पार्टी के एक मेंबर थे। इन्होंने अपनी सारी धन दौलत यहूदियों को नाजियों से बचाने में लगा दी। इन्होंने हजारों यहूदियों की जान बचाई और अंत में ये एक बेहद गरीब आदमी के रूप में मरे। ये अकेले ऐसे नाजी थे जिन्हें इसराइल में दफनाया गया था। नंबर 13, बहुत से जेनोसाइड्स में जहां विक्टम्स अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं तो उनकी जान बख्श दी जाती थी, वहीं होलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों के साथ ऐसा नहीं था। नाजी केवल उन्हीं यहूदी लोगों की जान बख्श रहे थे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स 18 जनवरी 1871 से पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। 18 जनवरी 1871 को जर्मन एम्पायर की स्थापना हुई थी। नंबर 12, साइंटिस्ट निकोला टेस्ला में एक अजीब आदत थी। वे चाहते थे कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनका जितने भी नंबर्स से सामना हो वो सभी नंबर्स 3 के डिविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी होटल के उसी रूम को लेंगे जिसका रूम नंबर 3 का मल्टीपल होगा, यानी 6, 9, 12, 15। नंबर 11, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में
अटेम्प्टेड सुसाइड को अटेम्प्टेड मर्डर के मल्टीपल होगा, यानी 6, 9, 12, 15। नंबर 11, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में अटेम्प्टेड सुसाइड को अटेम्प्टेड मर्डर के बराबर अपराध समझा जाता था, और उस दौरान किसी व्यक्ति को अनसक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती थी। नंबर 10, आइफल टावर को सिर्फ 1889 की वर्ल्ड एग्जीबिशन के लिए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था और इसे बाद में गिराया जाना था। नंबर 9, भूकंप और सुनामी के कारण जापान की राजधानी टोक्यो 1608 से लेकर 1945 तक हर 5 साल के अंतराल में तबाह हुई और फिर उसे बसाया गया। नंबर 8, एंशंट चाइना में अपराधियों से सच उगलवाने के लिए गुदगुदी करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। इसका फायदा ये था कि रिकवरी जल्दी हो जाती थी और चोट वगैरह का कोई निशान भी बाकी नहीं रहता था। नंबर 7, एंशंट रोम में ऐसे फाइटर्स जो जिंदगी और मौत के लिए दूसरे व्यक्ति से लड़ते थे उन्हें ग्लैडिएटर्स कहा जाता था, और ऐसे फाइटर्स जो जिंदगी और मौत के लिए किसी जंगली जानवर से लड़ते थे उन्हें बेस्टियरी कहा जाता था। नंबर 6, 1755 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक स्ट्रोंग अर्थक्वेक आता है जिससे शहर के ऑलमोस्ट सभी कैथोलिक चर्च नष्ट हो जाते हैं और शहर में मौजूद सभी ब्रोथल्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। यह घटना पुर्तगाल के लोगों की आस्था को बुरी तरह हिला देती है। नंबर 5, सन 2011 में इटली में आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई के दौरान एक कपल के अवशेष मिले थे जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। दोनों प्रेमियों को 1500 साल पहले इकट्ठे दफनाया गया था। नंबर 4, सन 2007 में इटली में ऐसे ही एक और कपल के अवशेष मिले थे। ये अवशेष 6000 साल पुराने हैं। देखने से ये प्रतीत होता है कि दोनों प्रेमियों की आलिंगन की स्थिति में एक साथ मृत्यु हुई होगी। इन्हें लवर्स ऑफ वाल्डारो कहा जाता है। नंबर 3, बहुत से लोग पहिए को पहला बड़ा आविष्कार मानते हैं, लेकिन पहिए का आविष्कार वास्तव में नाव, वोवन क्लोथ, सोइंग नीडल, रस्सी और यहां तक कि बांसुरी के भी कई 1000 साल बाद हुआ था। नंबर 2, हेनरी फोर्ड पहले टाइकून थे जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैटरडे और संडे के दिन काम ना करने की इजाजत दी थी, और तभी से वीकेंड का जन्म हुआ। नंबर 1, 19th सेंचुरी में जब माउंट एवरेस्ट की हाइट पहली बार निर्धारित की गई थी, उस वक्त रिसर्चर्स ने माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट एग्जैक्टली 29,000 फीट कैलकुलेट की थी, लेकिन जो हाइट रिसर्चर्स ने पब्लिश की वो थी 29,002 फीट। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसर्चर्स इस बात को लेकर चिंतित थे कि 29,000 की पूरी संख्या को सुनकर लोग ये ना मानने लगें कि ये एक बेहद रफ एस्टिमेट लगाया गया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।